भगवान ने कहा कि प्रभु हम इसलिए आप पे हंस रहे हैं कि आपने कैसे हमारी माता को कहा बेवकूफ बनाया कि आपके मस्तक पर संजीवनी रेखाएं हैं और वो हमारे बन बन भटकने का योग मिटा देंगी। तो कहा हाँ प्रभु, कहा क्यों? तो कहा देखिए हम इसलिए हंस रहे हैं कि वो आपके मस्तक की संजीवनी रेखाएं हमारे बन बन भटकने का योग तो मिटा ना पाई और वही चरण में जो बन बन भटकने का योग है ना वो आपके मस्तक पर भी अब पड़ गया है। तो अब भी आप हमारे साथ आप भी घूमिए बन बन 14 बरस। अच्छा ऐसा प्रभु? बोले हाँ प्रभु, जो शरीर रति राम पद, दोहावली में गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा, जो शरीर रति राम पद ते ही आदर ही सुजान, रुद्र देह तजने हो बस बानर भे हनुमान। तो रुद्र देह का त्याग करके हमारे महादेव भी बानर बन के प्रभु की सेवा में बन बन भटकना स्वीकार कर लिए। माताओं बंधुओं, ये बात माता पार्वती से कहते हैं, महादेव पार्वती जी ये काम मैंने चोरी से किया था, किसी को मालूम नहीं है इस बारे में, केवल हमको पता है और काकभुशुंडी को पता है। और एक कहूं निज चोरी और सुनु गिर जावत दृढ़ मति तोरी, कि काग भुशुंडी संग हम दो मनुज रूप जान नहीं को। किसी को नहीं मालूम पड़ी थी ये बात, केवल हम और काग भुशुंडी जी के बीच की बात है। परमानंद प्रेम सुख भूले और बीतिन सहित मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पै सोई कृपा राम कई जा पर होई। काकभुशुंडी जी से कहते हैं, माता पार्वती से कह रहे हैं प्रभु ये केवल वही जानेगा जिस पर राम जी की कृपा होगी। तो माता पार्वती ने कहा एक बात बताई प्रभु, ये हमको नहीं पता था क्या? भगवान ने कहा नहीं नहीं, आपको नहीं पता था, ये तो अभी हुआ है, आपको अभी हम बता रहे हैं, हमने चोरी से किया था। तो माता पार्वती कहती हैं अगर आपने चोरी से किया था तो मैं आपसे एक बात बताऊंगी, तो मैं भी एक बात बता दूं, मैंने भी कुछ चोरी से किया था जैसे आपने चोरी से किया था, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं देवी बताओ क्या बताना चाह रही हो, हम बुरा नहीं मानेंगे। तो माता पार्वती ने कहा प्रभु तो बुरा मत मानिएगा, आप कह रहे थे किसी को नहीं पता ना? हाँ नहीं पता। तो प्रभु वो जो पनिहारिन थी ना, पनिहारिन प्रभु वो मैं ही थी, मैं ही गई थी बन के, मैंने देखा कि हमारे प्रभु वहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, दर्शन के लिए आतुर हैं और कोई पूछ नहीं रहा है उनको, तो हमने सोचा कि हम ही जाके हमारे महादेव की मदद कर दें, उनको प्रभु के दर्शन कर दें। तो बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शंभु शेष श्रुति गाए, अरे जिन कर मन एहि सन नहीं राता, ते जग वंचित किए विधाता। माताओं बंधुओं, जिनका मन प्रभु के चरित्र में न रमाए ना रति हो इस चरित्र से, समझ लीजिएगा परमात्मा परमात्मा ने जग से ही उनको वंचित करके रखा हुआ है। इस प्रकार भगवान ने बाल लीला की, बाल लीलाएं तो काफी हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आगे प्रसंग पे आज आ जाएं ताकि कल हम लोग यहाँ भगवान श्री राम और माता जानकी का जो सबसे अद्भुत लीला है रामचरितमानस की, धनुष यज्ञ, उसको परिपूर्ण करें। कल राम जी का विवाह यहाँ पे हम लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ करेंगे। माताओं बंधुओं, अभी इसलिए आगे बढ़ते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई और आगे ली कथा सुनहुं मन लाई। अब आगे की कथा सुनो, एक महात्मा जी थे और वो महात्मा जी यज्ञ करना चाहते थे, पूजन करना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं संतों महात्माओं के साथ अनुष्ठान ही करता रहूं। उन महात्मा जी का क्या नाम था? गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। शुभ आश्रम, विश्वामित्र जी बसते थे उस आश्रम में, ध्यान दीजिएगा, दो जगह शुभ आश्रम लिखा हुआ है रामचरितमानस में,
काल नेमी के आश्रम को भी शुभ आश्रम कहा है और विश्वामित्र जी के आश्रम को भी शुभ आश्रम कहा है। तब मारुत सुत देखा शुभ आश्रम और विश्वामित्र भी बसाई विभिन्न शुभ आश्रम, यानी जहाँ संत बस रहा है वो भी शुभ आश्रम है, यहाँ दुष्ट बस रहा है वो भी शुभ आश्रम है। तो ऐसा क्यों लिखा? देखिए अर्थ ये है कि जहाँ पे अशुभ का नाश हो वही शुभ है। तो चाहे कालनेमी के यहाँ हुआ हो अशुभ का नाश और चाहे विश्वामित्र जी के यहाँ हुआ हो, तो वही शुभ आश्रम है दोनों जगह। अब है, अब वो सोचते थे यज्ञ करें तो जब भी यज्ञ के लिए तैयारी प्रारंभ करें तब तक देखत जग निशाचर धावहि, राक्षस दौड़ जाते थे भागते थे और करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। अब बड़ा दुख होता था उनको और सारे संत महात्मा दुखी हो जाते थे। तो विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा कि भाई बड़ी बड़ी व्यवहारिक बात है, बड़ी अच्छी लगता है ये भाव। विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा कि देखिए माताओं बंधुओं, जब विश्वामित्र जी संत नहीं थे, जब भगवान की भक्ति नहीं करते थे, तब वो कामी भी थे, क्रोधी भी थे, लोभी भी थे। भाई कामी थे मेनका के साथ, क्रोधी थे वशिष्ठ जी के जो सौपुत्र मारे, लोभी थे उन्हीं की नंदिनी गाय हड़प के ले जाना चाह रहे थे। कामी क्रोधी लोभी तीनों थे, लेकिन तीनों समय उनको कोई बहुत बड़ा संकट नहीं आया, कोई बहुत बड़ी बाधाएं नहीं आई, वो अपना कर रहे थे जो उनको करना था। आज विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि मैंने काम क्रोध लोभ तीनों का त्याग करके और पूजा करने के लिए मन बना लिया है, यज्ञ करने के लिए मन बना लिया है, भगवान की भक्ति करने के लिए मन बना लिया है, तो ये निशाचर ये इतने दुष्ट लोग आज मेरे सामने आ रहे हैं, क्या पहले मेरे सामने नहीं आ सकते थे? जब मैं कामी क्रोधी लोभी था तब बताता मैं इनको कि मैं क्या व्यक्ति हूँ। तो कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं कि इस संसार में सज्जन होना कठिन ज्यादा है बजाय दुर्जन होने के। दुर्जन होंगे तो आपको कोई नहीं टोकेगा, दुष्ट होंगे तो कोई नहीं टोकेगा, लेकिन सज्जन होंगे संत बनने का प्रयास करेंगे तो अनेकानेक बाधाएं आएंगी आपके जीवन में। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी कि हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। वही भगवान है जो बचा सकते हैं। तब मुनि बर मन कीन बिचारा कि प्रभु अवतरे उहरन मही भारा। भगवान का अवतार हो गया है, इस पृथ्वी माता का भार हरने के लिए प्रभु का अवतार हो गया है, तो आज नहीं कल प्रभु तो भार हर ही लेंगे। कौन हमारे रुके रुके हुए हमारे भरोसे पे आए हैं, वो तो जाएंगे और भार हर ही लेंगे। लेकिन यदि मैं पहुंच जाऊं प्रभु के पास और जाकर के मैं दर्शन कर लूं, मैं किसी प्रकार से बहती गंगा में हाथ धो लूं, गुरु बनने का यश कमा लूं किसी प्रकार से, समय पे पहुंच जाऊं तो मेरा भी नाम हो जाएगा, मुझे भी लोग पहचानने लग जाएंगे। प्रभु अवतरे हरन मही भारा तो एहू मिस देखऊं पद जाई और करी बिनती आनौ दो भाई ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु मैं देखब भरि नैना तो बहुविधि करब मनोरथ बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार करिम जन सरयू जल गए भूप दरबार। सरजू माता में स्नान किया और स्नान करने के बाद राजा जी के कक्ष की तरफ जाने लग गए, राजा जी के दरबार की तरफ जाने लग गए। तो माताओं बंधुओं जैसे द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख ही रहे हो चकिशो वसुधा अभिरामा, जब पहुंचे थे देखत सुधामा दाए धाए पुरजन गहे पाए, तो उसी प्रकार से जब ब्राह्मण को संत को अच्छे नगर में नगरवासी देखते हैं तो पहुंच जाते हैं चरणों में। अरे प्रभु किसको मिलना है, किस किसके लिए आए हैं आप, कौन है आप? तो हुआ यही, जैसे ही पहुंचे विश्वामित्र जी महाराज तो सारे वहां पे जितने भी द्वारपाल थे गुप्तचर थे जो सैनिक थे सब पहुंच गए चरणों में। अरे मुनिवर किसका दर्शन करना है आपको, किसको चाहते हैं आप? तो विश्वामित्र जी ने कहा ऐसा है मेरा नाम विश्वामित्र है और मैं आपके राजा जी से मिलना चाहता हूं। अब माताओं बंधुओं इतना कहा और भागे द्वारपाल और जितने सेवक थे पहुंचे चक्रवर्ती सम्राट के पास
और चक्रवर्ती सम्राट के पास जाकर कहते हैं कि महाराज जानते हैं वो एक महात्मा जी आए हैं। कौन से महात्मा जी आए बताओ? अरे बोले महाराज जानते हैं वो वही महात्मा है जो एक बार पहले भी यहाँ आ चुके हैं, वो सब मालूम है। कौन से महात्मा है? बोले एक बार पहले आए थे ना तो आपके पूर्वज हुए, पुरखे हुए एक, उनका घरवार भी बिकवा दिया, पत्नी को भी बिकवा दिया और कल्लू डोंग के यहाँ जाकर के उनको नौकरी करनी पड़ी थी, इतनी दुर्गति कर दी थी। ऐसे वही महात्मा फिर से आए हैं, वही वाले फिर से एक बार पहले आए थे। तो समझ गए विश्वामित्र जी आए हैं चक्रवर्ती सम्राट। तो चक्रवर्ती सम्राट को लगा कि अरे ऐसा तो नहीं है कि फिर से कुछ मांगने आ गए हो, कोई ऐसा सपना देख लिया हो जैसा पहले देख करके आए थे। तो चक्रवर्ती सम्राट ने सोचा कि चला जाए और जाकर के इनकी खूब सेवा की जाए ताकि कोई सपना अपना भी देखा उनने, कोई उनको हमसे मांगने की अगर इच्छा भी हो तो ना मांगे, इतना उनको प्रेम दे दो, इतनी सेवा दे दो कि कुछ मांगे नहीं हमसे। तो यही बात हुई माताओं बंधु। समाचार पाए जब राजा तो मिलन चले लय विप्र समाजा। अब स्वस्ति वाचन करते हुए पहुंचे विश्वामित्र जी महाराज के चरणों को बिल्कुल पकड़ लिया, घर लेकर के आए, सबसे पहले चरण पखारा। ध्यान दीजिएगा ये प्रथा बंद हो रही है, पूर्वांचल में है अभी ये कई जगह, लेकिन और जगह संतों महात्माओं के चरण पखारने की प्रथा बंद हो रही है। चरण पखारी की नियति पूजा, बोले मुसमु आज धन्य नहीं दूजा। अरे प्रभु आप स्वयं मुझे दर्शन देने आए, मुझसे बड़ा धन्य और कौन होगा, मुझसे बड़ी बात, मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। तब तक क्या किया? बोले विविध भांति भोजन करवावा। तब तक 56 प्रकार के व्यंजन सामने लाके रख दिए, ये भी खाइए, वो भी खाइए, ये भी लीजिए ताकि संतुष्ट हो जाए। संत महात्मा या तो चरण छूने से और या दिव्य दिव्य भोजन करने से, यही उनकी कमजोरी है। इसमें मैं ज्यादा नहीं विषय पे जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, सूत्र दे रहा हूँ। संत महात्मा अगर गुस्सा भी दिखे, आपको लगेगी कि उनका मन थोड़ा सा अनमना है, तो बस जाके दंड प्रणाम कर लीजिए दो चार बार, तो उनका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। और इस बात को मैं मनगढ़ंत नहीं कर रहा हूँ, ये महाराज तो यूं ही नॉर्मल आए हैं, एक महाराज और भी आएंगे आगे और बड़े क्रोध में आएंगे। तो देखिएगा जब वो क्रोध में आए हैं तो क्या हुआ है, सबसे पहले कि पितु समेत कही कही निज नामा, परशुराम जी लगे करण सब दंड प्रणामा, सब गिर रहे चरणों पे, अरे प्रभु दंडवत, अरे मुनिवर दंडवत। उसके बाद विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई, दंड करो प्रणाम करो, दो भाई प्रणाम करो। तब तक जनक बहुरी आई सिरुनावा, दंड प्रणाम, दंड प्रणाम। तो कहने का अर्थ है सीय बोलाई प्रणाम करावा, तुम भी प्रणाम करो, महाराज आए हैं, महाराज आए। तो थोड़ा सा वो ठंडा हुए। दो ही उपाय संत महात्माओं को प्रसन्न करने का, या तो दिव्य दिव्य भोजन और या फिर दंड प्रणाम अच्छे से होना चाहिए। तो क्या किया? पहले तो चरण पखारा, कहा प्रभु अगर इसमें भी कुछ कमी रह गई हो तो पुण्य चरण मेले सुतचारी। देखिए वैसे तो मेले माने उनको भी डाला गिराया सामने, लेकिन इसका भाव ये भी एक कि प्रभु यदि आपकी प्रसन्नता में मेरी आओ भगत में कुछ कमी थोड़ी बहुत लग रही हो तो पुण्य चरण में ले सुतचारी, इनको भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये भी आप ही की सेवा में है। तो राम देखी मुनि बिरति विसारी, राम जी को देखा तो विश्वामित्र जी महाराज सारी सुधि भूल गए, देह विसारी अपने शरीर की सुधि भूल गए, जिसे हम लोग कहते हैं बेहोश होना, बेहोश हो गए, गिर पड़े विश्वामित्र जी। तो जब गिर पड़े तो चक्रवर्ती सम्राट डर गए, अरे ये क्या हो गया, राम जी को देख के बेहोश क्यों हो गए महाराज? तो डर गए वो अंदर ही अंदर, कोई बात तो नहीं, कोई खतरा तो नहीं। तो पानी छिड़का विश्वामित्र जी पे, और पानी छिड़का और छिड़कते हुए कहते क्यों जी, क्यों आना हुआ, क्यों बेहोश हो गए आप, ऐसे क्या काम है बताओ? के ही कारण आगमन तुम्हारा, जल्दी बताओ क्या काम है, क्यों आए हो?
तो विश्वामित्र जी भी लेटे लेटे बोल दिए, जानते हो क्यों आया हूं मैं, मुझे अनुज समेत देहु रघुनाथा, मैं राम को लेने आया हूँ, लक्ष्मण को लेने आया हूँ, इतना सुनना था तो चक्रवर्ती सम्राट बेहोश हो गए। अब उनको फिर पानी छिड़का गया तो वो भी खड़े हुए और बोला नहीं नहीं सुनी राजा अति अप्रिय बानी और हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। अब वो बेहोश, अरे क्या हो गया, उनको पानी छिड़का गया। उनका ऐसा है, देखिए जो मांगना हो मांग लीजिए लेकिन राम को नहीं दूंगा। देखिए सुत विषयिक तव पद रति हो, महाराज मनु ने यही तो मांगा था भगवान से, मोहि बड़ मूल कहे किनको, मुझे चाहे कोई मोर भी कहे, कहे देखो ऐसा है कुछ भी ले लो राम को नहीं दूंगा, उसके राम के अलावा जो चाहिए वो ले लो, मांगा हूँ भूमि जमीन ले लो जायदाद ले लो, मांगा हूँ भूमि धेनु धन कोसा और सर्वस देहु आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही सो मुनि देव निमिष एक माही, लेकिन सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही राम देत नहीं बनाई गोसाई, सब दे लो लेकिन राम नहीं दूंगा, बस राम को मतलब और चाहे जो ले लो मुझसे। तो उन्होंने कहा नहीं मुझको चाहिए तो राम ही है, राम दो तो बात करो। तो उन्होंने कहा एक बात आई, आपको राम क्यों चाहिए, बोले राम इसलिए चाहिए निश्चर बद, ये नहीं बोला उन्होंने, ये नहीं बोला क्षमा जाता, उन्होंने कहा कि एक बात बताइए आपको राम क्यों चाहिए। उन्होंने कहा राम तो जिसलिए चाहिए लेकिन चाहिए मुझे दोनों भाई राम और लक्ष्मण। तो बोले देखिए लक्ष्मण को तो मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वो राम के बिना नहीं रह सकते, तो देना तो राम को पड़ेगा ही साथ में। क्यों चाहिए राम, बोले मुझको चाहिए काम तो है निश्चर बद, तो उन्होंने कहा उसके लिए तो लक्ष्मण है, जग महु सखा निसाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु देते, उसके लिए तो लक्ष्मण है, लक्ष्मण को ले जाइए। आप लोग एक बात करिए, बहुत मैं व्यवहारिक बात कह रहा हूं माताओं बंधुओं, मान लीजिए आपके घर में दो भाई हो, दो भाई कह रहा हूं दो बच्चे हो, क्षमा चाहता हूं दो भाई वो है जो जो दो बच्चे हैं और एक बच्चा हो छठवीं में एक बच्चा हो बारहवीं में क्लास में पढ़ते हो, छोटे गैप हो छह साल का गैप हो और दोनों एक ही स्कूल में हो, तो होता क्या है जानते हैं, होता यह है कि जो छठवीं क्लास का लड़का होता है ना वो छठवीं क्लास के लड़के के जितने भी मित्र होते हैं वो सब उससे डर के रहते हैं कि उसको हाथ मत लगाना उसको मारना मत, क्योंकि उसका वो बारहवीं क्लास में जो भाई बैठा है ना वो इंटरवल में आएगा और फिर छोड़ेगा नहीं मारेगा जरूर, और वो छठवीं क्लास वाला भी सब पे धौं जमाता रहता है इसी बात पे, भैया को बता दूंगा समझ में आया भैया आ जाएंगे इंटरवल में, तो उसका सब लोग आवभगत करते हैं। कहने का अर्थ है आपने ये तो उदाहरण देखा होगा, बड़ा सामान्य उदाहरण है कि छोटा भाई बड़े भाई की दम पर धौं जमाता है, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट कह रहे हैं हमारे राम तो इतने सरल हैं, इतने सहज हैं, इतने भोले हैं कि उन्हें धौंस भी जमानी होती है किसी के ऊपर तो अपने छोटे भाई के दम पे जमाते हैं, खुद बड़े हैं लेकिन क्या कहते हैं, कहते हैं जग महु सखा निसाचर जेते अरे लक्ष्मण हनई निमिष महु देते, मेरा भाई देख लेगा मेरा भाई नहीं छोड़ेगा। तो विश्वामित्र जी का ऐसा है कि वो बद के लिए उन्हीं को ले जा रहा हूं मैं और कोई उनको किसी काम के लिए और नहीं है। तो बोले फिर राम को क्यों ले जा रहे हो, बोले राम को ले जा रहा हूं क्योंकि मैं होब सनाथा, मैं सनाथ हो जाऊंगा अनाथ हूं, भगवान की कृपा हो जाएगी तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो चक्रवर्ती सम्राट का वो सब ठीक है लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा, मैं अनाथ नहीं हो जाऊंगा आपको सनाथ करने के चक्कर में, मैं नहीं दूंगा। बहस हुई, वशिष्ठ जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि दे दो राजन दे दो, चक्रवर्ती सम्राट ने कहा आप भी कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं दे दूं, कितनी गलत बात है ये, क्या मतलब, कहा गलत बात ये है कि आप बताइए गुरुदेव मैंने 23,000 वर्ष तपस्या किया महाराज मनु के रूप में, भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा लेकिन अभी नहीं आऊंगा उधारी में आऊंगा, अभी जाके जब आप अयोध्या जी के चक्रवर्ती सम्राट बनोगे तब मैं आऊंगा, मैंने इतनी प्रतीक्षा की, चक्रवर्ती सम्राट भी बन गया, चौथा पन आ गया, चौथे पन तक प्रभु नहीं आए,
चौथे पन के बाद कहीं मुझे भगवान मिले, माने हजारों वर्ष की प्रतीक्षा के बाद, हजारों वर्ष की तपस्या के बाद मुझे भगवान की प्राप्ति होती है। और जब भगवान मिल जाते हैं तो एक महात्मा जी इनके जैसे मुंह उठा के आ जाते हैं और आके कहते हैं कि अब वो भगवान हमको दे दीजिए, अब हम ले जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई? तपस्या करें हम, प्रतीक्षा करें हम, और उसके बाद आके ये ले जाएंगे? ये कोई बात हुई? कोई बात है? ये कोई न्याय है? वशिष्ठ जी ने कहा बिल्कुल न्याय है, बिल्कुल ठीक बात है ये। कहा बिल्कुल ठीक है? कैसे ठीक है? वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा है राजन, आपको भगवान की प्राप्ति तपस्या से नहीं हुई है। फिर कैसे हुई है? कहा आपको भगवान की प्राप्ति यज्ञ भगवान की कृपा से हुई है। जब आपने यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, तो जब यज्ञ करा है तब यज्ञ भगवान की कृपा से प्रभु हुए हैं। और जिन यज्ञ भगवान की कृपा से चार चार पुत्र आपको मिले, आज उन्हीं यज्ञ भगवान के ऊपर संकट आया हुआ है, तो उस संकट में वो आपसे चार भी नहीं मांग रहे, अरे वो केवल दो मांग रहे हैं, और वो भी हमेशा के लिए नहीं मांग रहे, उधार में मांग रहे हैं अभी कुछ समय के लिए। तो आप इतने बड़े एहसान परामोश हो जाएंगे राजन कि जिन यज्ञ भगवान की कृपा से आपको मिला, आप हमको वापस नहीं कर सकते दो कुछ समय के लिए? बिल्कुल न्याय की बात है, गलत आप कह रहे हैं। तो तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, मुनिवर हृदय नाश कह पावा। ध्यान दीजिएगा, वशिष्ठ मुनि बहुत अच्छा भाव कभी कभी करता हूं मैं, वशिष्ठ जी ने समझावा किस तरीके से? बहुविधि से। बहुविधि का क्या अर्थ हुआ? बहुविधि का अर्थ हुआ कि बहु कैसे आएगी, ये विधि समझावा वशिष्ठ जी ने। आप दे दीजिए इन्हीं को, ये जा रहे हैं और जाके चार चार बहुएं यही लेकर के आएंगे। वो बहु कैसे आएगी इसकी विधि बताई कि इन पे विश्वास कर लीजिए। तो जब किया तो कहा ठीक है, नृप संदेह नाश कह पावा। ठीक है, अच्छा दे रहे, चले जाइए। अब इतनी बहस के बाद विश्वामित्र जी राम जी को लेकर निकल लिए, और श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। अब लेकर के पहुंचे बक्सर की चौकी पर, वहां पहुंचे, वहां भगवान ने कहा ऐसा है, आप लोग यज्ञ प्रारंभ करिए, यज्ञ प्रारंभ करिए। तो मुनिवरों ने कहा यज्ञ कैसे प्रारंभ करते हैं? वो राक्षस आ जाएंगे, वो ताड़का आ जाएगी, ये लोग आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा देखिए, इसीलिए कह रहा हूं मैं कि यज्ञ प्रारंभ करिए। देखिए होता क्या है, आज के युग में भी चलता है ना माताओं बंधुओं, कि हम लोग बकरे को बांध देते हैं सिंह को फंसाने के लिए। देखा होगा शिकारी यही करता है, दाना डाल देते हैं चिड़िया को फंसाने के लिए। उसी तरह कहा कि आप दाना डालिए, आप यज्ञ प्रारंभ करिए, आने दीजिए, उनकी प्रतीक्षा मैं कर रहा हूं। तो होम करण लागे मुनि झारी, और आप रहे मख की रखवारी। अब खड़े रहे प्रभु वहीं। तब तक देखा यज्ञ के जैसे ही मंत्रों की गुंजार हुई, जैसे ही संविधाएं डलना प्रारंभ हुई, दौड़े राक्षस फिर से। तो जैसे ही दौड़े तो भगवान को दिखा दिया, वो देखो आ रही है, उधर देखो। सुनि ताल का क्रोध करी धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना। चले जात मुनि दीन दिखाई, तो सुनि ताल का क्रोध करी धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानते ही निज पद दीना। ताड़का का उद्धार कर दिया। तब तक सुबाहु और मारीचा, सुबाहु का भी वध कर दिया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। और केवल मारीच को 100 योजन पार भेद दिया प्रभु ने, मार के, मारा नहीं अधमारा करके, क्योंकि आगे इनका काम होना है, लीला करनी है मारीच को। माताओं बंधुओं, भगवान ने यज्ञ की रक्षा की, और जब यज्ञ की रक्षा कर ली ना, लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि प्रभु ऐसा है, अब घर चलें क्या? विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, अभी और भी आगे थोड़ा सा और काम है, वो और कर लें। क्या? कहा एक यज्ञ और है, दो दो यज्ञ की रक्षा करनी है, क्योंकि यज्ञ की रक्षा के लिए लेके आए थे। तो लक्ष्मण जी अड़ गए, नहीं नहीं
आप जितने काम के लिए लेके आए तो वो करेंगे, उसके अलावा हम दूसरा काम नहीं करेंगे। आप पिताजी क्या बोलते आए थे? तो विश्वामित्र जी ने कहा भाई यज्ञ की ही रक्षा करवाने ले चल रहा हूं भाई, एक और यज्ञ है जिसकी रक्षा करनी है। तो कहा क्या अंतर क्या है दोनों यज्ञ में? कहा ये थोड़ा सीधा सीधा यज्ञ था, वो टेढ़ा यज्ञ है, थोड़ा सा टेढ़ा यज्ञ है। कहा क्या यज्ञ है, कौन यज्ञ कर रहा है, क्या नाम है उस यज्ञ का? बोले धनुष यज्ञ, वो भी यज्ञ ही है, मैं बात से नहीं पलट रहा हूं अपनी। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, तो हर्ष चले मुनि बर के साथा। अब चल पड़े यज्ञ में माताओं बंधुओं, अब जा रहे थे यज्ञ की रक्षा करवाने, बीच में अहिल्या माता के दर्शन करवा दिए। अहिल्या माता शिला के रूप में पड़ी हुई है। भगवान ने कहा प्रभु ये कौन है और ये क्या चाहती है? विश्वामित्र जी कहते हैं राम ये गौतम नारी श्राप बस। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ एक महात्मा जी हुए गौतम ऋषि जी, न्याय दर्शन के प्रथम प्रणेता। और गौतम ऋषि जी ने जब न्याय लिखा ना, तो सबसे बड़ा अन्याय देवताओं ने उन्हीं के साथ कर दिया। जो न्याय लिखे उन्हीं के साथ सबसे बड़ा अन्याय हो गया। माने देवताओं ने सोचा कि यदि ये न्याय इनका चल गया तो हमारा अन्याय कहाँ चलेगा। तो इंद्र गए और इंद्र जाकर के, वो घटना मुझे नहीं चर्चा करना है, अहिल्या के साथ उन्होंने और गौतम ऋषि जात जो किया। अब गौतम ऋषि जी निकले और निकल के वो गए चक्रवर्ती सम्राट के पास, राजा दशरथ जी के पास। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, हमारी कुटिया में आकर के इंद्र ने अन्याय किया है, हमारी मदद करिए। तो राजा जी ने सोचा कि भाई ये बाबा जी हमारे किस काम के हैं, इंद्र के साथ हमारा उठना बैठना है, लेना देना है, ये महाराज तो हमारे किसी काम आएंगे नहीं, इनके चक्कर में हम इंद्र से क्यों बैर लें। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है महाराज, आपकी जो कुटिया है ना वो हमारे क्षेत्र में नहीं आती। जैसे आप रिपोर्ट लिखाने जाए थाने में तो इंस्पेक्टर कह देते ना कि ये उस थाने का मामला है, उस क्षेत्र का, हमारी तरफ का नहीं। उसी प्रकार कहा कि ये हमारे मामला नहीं है क्षेत्र का, आप जाइए जनकपुर में जाकर के रिपोर्ट लिखवाइए। अब पहुंचे महाराज जनकपुर में जनक जी के पास, हमारी मदद करिए राजन। तो उन्होंने भी यही सोचा कि भाई ये महाराज किस काम के हैं, ये ना वोट के हैं, ना नोट के हैं, ना कोई और बात कर सकते हैं। तो कहा ऐसा है महाराज, वो अब गलत कहा गया है आपसे, आपकी कुटिया जनकपुर में नहीं, अयोध्या जी में ही है, वहां जाइए, वहां रिपोर्ट लिखवाइए। अब वहां पहुंचे तो वहां से कहा आपको गलत कह दिया गया, जाइए फिर से वहीं। अब महाराज कभी जनकपुर से अयोध्या जी, अयोध्या जी से जनकपुर, कहां जाए बाबा किसको अपनी विपत्ति सुनाए। तब तक बीच में दूसरे महाराज मिल गए, उनका आइए आइए हमारे पास आइए, हम आपको न्याय दिलवाएंगे, हमारी पार्टी ज्वाइन करिए। कहा आप क्या करते हैं, आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है? तो उन बाबा जी ने कहा देखिए ऐसा है, हम जातिवाद को मिटाकर, विश्ववाद को मिटाकर, समाजवाद को मिटाकर, क्षमा चाहता हूं, विश्ववाद की स्थापना कर रहे हैं हम। जातिवाद, संप्रदायवाद, समाजवाद, ये जितना भी सब कुछ है, इन सबको समाप्त करके विश्ववाद की स्थापना कर रहा हूं। क्या कहा? मैं विश्व मैत्रेय का अभियान चला रहा हूं इस संसार में। का क्या मतलब? बोले हमारा नाम है विश्वामित्र, मैं सारे विश्व को अपना मित्र बनाने का अभियान चला रहा हूं।